नमस्कार दोस्तों, बात हो रही है मनोविज्ञान की और हमने पहले पढ़ चुके हैं मनोविज्ञान का विकास क्रम और आज बात करेंगे हम बाल विकास की, चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में सबसे पहले बात करें कि बालक का विकास होता कैसे है। बालक का विकास अगर हम सीखना चाहते हैं कि किस अवस्थाओं में होगा, उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान जो कि आपका टॉपिक रहता है बाल मनोविज्ञान, इसमें हम क्या करेंगे, बाल मनोविज्ञान में बालक के मन और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार बालक अपने मन की बातें दूसरों के सामने इजहार करता है, फिर वो किस तरह की एक्टिविटीज़ करता है यानी व्यवहार को अपनाता है और लास्ट में वो इन अवस्थाओं को क्रॉस करता हुआ एक अच्छा सभ्य इंसान बन जाता है। तो बात होगी मनोविज्ञान यानी बाल मनोविज्ञान की, यानी बालक के मन का और व्यवहार दोनों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि इस बाल मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम अध्ययन किस बंदे ने किया। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यही आएगा कि बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया। तो सीधी सी बात है, जब तक आदमी में ज्ञान ही नहीं होगी, जब तक आदमी में ज्ञान नहीं होगी वो कुछ नहीं करेगा। तो सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले थे जॉन लॉक, मनोवैज्ञानिक थे जॉन लॉक। इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया बाल विकास का कि, और इन्होंने कुछ क्रियाएं तो बताई और कुछ नहीं बताई जो आगे हम स्पष्ट करेंगे। उसके बाद में बात करें, इन्होंने सीधा ही अध्ययन किया था यानी बाल विकास का अध्ययन किया। इन्होंने सोचा कि बालक ऐसे कौन कौन सी क्रियाएं करता है, ऐसा अध्ययन किया, उनके दिमाग को नहीं पढ़ा। अर्थात सीधा बाल विकास का अध्ययन करने वाले पहले कौन थे, जॉन लॉक। और दूसरी बात करें कि मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाले कौन थे, बाल विकास का मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाले कौन थे। मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने वाले थे पेस्टालोजी, पेस्टालोजी थे। इन्होंने बिल्कुल बच्चे के दिमाग के अंदर बसकर उनके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को अपनाया और ये मनोवैज्ञानिक रूप से सर्वप्रथम अध्ययन किया था इन्होंने, मनोवैज्ञानिक रूप से 1774 में। और ये प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कोई दूसरे बच्चे को नहीं अपनाया, अपने घर का जो बच्चा था 3.5 वर्षीय इनका खुद का पुत्र था, खुद के पुत्र पर इन्होंने मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया। उसके बाद में ये आपको पता ही है कि एक पूंछ पकड़ लेते हैं हम, अब ये काम शुरू हो गया तो उसके बाद में एक मनोवैज्ञानिक और आए जिनका नाम था टाइटमैन। इन्होंने अपने पुत्र पर 1784 में पूरे 10 साल बाद में इन्होंने भी क्या किया, अपने बच्चे पर अध्ययन किया, उसकी क्रियाओं को देखा, उसके व्यवहार को देखा, यानी मनोवैज्ञानिक रूप से इन्होंने भी क्या किया, अध्ययन किया। परंतु प्रश्न जो एग्जामों में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बाल जो मनोविज्ञान है यानी इसके जनक कौन है, यानी बाल विकास मनोविज्ञान के जनक, बाल विकास के जनक या कौन है, ये प्रश्न पेपरों में पूछा जाता है। तो इन पेपरों की प्रश्नों की बात करें तो ये थे स्टैनली हाल, इस मनोवैज्ञानिक का नाम था स्टैनली हाल। तो ये भी देखो तीन क्वेश्चन हो गए यहाँ पे कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक ने किया, मनोवैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले पेस्टालोजी ने अपने ही पुत्र 3.5 वर्षीय पुत्र था उनका उन पे किया, कब, 1474 में। फिर इसको देखा देखी टाइडमैन नाम का एक मनोवैज्ञानिक था, उसने अपने पुत्र पर 1784 में अध्ययन किया। उसके बाद में बाल विकास के जनक स्टैनली हाल, इन्होंने भी अध्ययन किया, कब, 1893 में। ये अमेरिका के थे। इन्होंने अमेरिका में बाल विकास के जनक माना जाता है इसीलिए इन्हें, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम अमेरिका में जो स्कूल के बच्चे थे उन पे अध्ययन किया कि सभी बच्चे क्या एक से होते हैं। तो इन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया बाल विकास के जनक, इसीलिए इनको बोलते हैं स्टैनली हाल को। अगर बात करें कि इसके क्रम में बात करें कि बालक एक सा को नहीं आया, जी आपने भी समाज में लेके देख लो थे, राजस्थान का देख लो, अलबादी टाबर कुचमादी टाबर अलग अलग कैटेगरी है नी, अलबादी और कुचमादी, अलबादी तो घरे अलबाद करे और कुचमादी जिसको पड़ोसियां घर जाए कि इनके अलबाद कर गया है वो कुचमादी टाबर है, चाल तो अलबाद कर दे, यानी वह विषय टाबरा को भी अध्ययन करे वहां।
परंतु कहते हैं कि कोई बच्चा इतना ज्यादा अपने मानसिक रूप या रोग से शिकार हो जाता था और वो अपराध कर देता था। यानी सर्वप्रथम बात करें 1887 में न्यूयॉर्क शहर में बाल सुधार गृह, बाल सुधार कारावास कर लो चाहे गृह कर लो, सुधार गृह की स्थापना की गई थी। तो यह प्रश्न एक नहीं दो बार नहीं तीन बार पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कब हुई थी, तो 1887 में हुई थी। यह अपने विकास क्रम की बात है। अब देखिए एक कोटेशन जो अभी 2016 के एग्जाम में पूछी गई कि यह कोटेशन किसकी है, तो देखो कोटेशनों में आप उनको जोड़ लो। जोड़ने की बात करें तो कोटेशनों में एक मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो, यानी देखो क्रो और क्रो, क्रो क्या किसको बोलते हैं, कौवे को बोलते हैं, क्रो किसको बोलते हैं, कौवे को। और देखो अभी श्राद्ध चल रहे थे तो कौओं की कितनी वैल्यू बढ़ जाती है, तो श्राद्ध जब कौओं की वैल्यू कब बढ़ती है, जब कोई आदमी मर जाता है श्राद्ध आता है, यानी वृद्ध अवस्था। तो इसने ये कहा कि जो बाल विकास है, बाल विकास गर्भ अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक का अध्ययन करता है, वृद्धा अवस्था तक का अध्ययन करता है, का अध्ययन करता है। यह कोटेशन 2016 में पूछी गई। तो ये देखो करो एंड करो, यानी करो कब बोलेगा, जो बुजुर्ग व्यक्तियों का क्या डालेंगे हम, श्राद्ध डालेंगे, तो क्रो को ऐसे जोड़ लो, करो एंड करो यानी वृद्ध आदमी, श्राद्ध कब डालते हैं, वृद्ध आदमी के डालते हैं। फिर दूसरे मनोवैज्ञानिक थे जेम्स ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर, देखो ड्राइवरों के काम हुआ है, ठीक है, ड्राइवर का एक क्या होता है, लक्ष्य निर्धारित होता है। तो इन्होंने कोटेशन दी कि बाल विकास, जो बाल विकास है सभी अवस्थाओं में एक लक्ष्य को निर्धारण कर अपने असली अस्तित्व तक पहुंचता है। ये कोटेशन देने वाले कौन थे, जेम्स ड्रेवर। ड्राइवर शब्द का नाम आए तो आपको याद रखना है कि वहां आपको क्या मिलेगा, लक्ष्य शब्द मिलेगा, क्योंकि ड्राइवर का लक्ष्य निर्धारित होता है। तो ये थी बाल विकास की मुख्य बातें, जिनमें से आपको जनक बता दिए, कोटेशन बता दी। अब बात करेंगे कि बाल विकास मनोविज्ञान में स्थितियां क्या रहती हैं, विकास किन किन अवस्थाओं में होता है, यानी विकास की अवस्थाएं बताएंगे, बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाओं की, विकास की अवस्था। देखो सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो तो योंग का चल रहा है, जो जिन्होंने दिया अर्नेस्ट योंग का, परंतु उससे पहले बात करें कि 2004 में थर्ड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया कि जीन प्याजे एक व्यक्ति था, जीन प्याजे एक व्यक्ति था, उसने वर्गीकरण किया था, जीन प्याजे का वर्गीकरण विकास की अवस्थाओं में इसने वर्गीकरण किया था, वर्गीकरण इस व्यक्ति ने वर्गीकरण क्या किया, इसने कहा 0 से लेके 2 वर्ष, यानी जब बच्चा जन्म ले लेता है उस अवस्था से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था को इसने कहा था कि संवेदना की स्थिति या संवेदना अवस्था बोला था, संवेदना अवस्था बोला था। उसके बाद की बात करें तो इसने कहा कि 0 से 2 वर्ष के बीच में जो बच्चा होता है उसमें संवेदना, अब कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं गुरु जी बच्चे में संवेग होते हैं, जन्म के समय संवेग होते हैं क्या, नहीं होते, बच्चे में जन्म के समय बिल्कुल भी संवेग नहीं होते, कहते गुरु जी वो रोए नहीं, फिर रोना और संवेग तो है नहीं है, वो सिर्फ उत्तेजना है, जन्म के समय बच्चे में कोई संवेग नहीं होते, सिर्फ उत्तेजना के कारण होता है, क्योंकि उसे भूख लगती है और वो उत्तेजना है न कि संवेग है, क्यों वो जानता ही नहीं। उसके बाद की बात करें तो इसने कहा 2 से 4 वर्ष की जो उम्र होती है बच्चे की वो रहती है संकल्पना का, संकल्पना काल, यानी बच्चा इस अवस्था में कहां रहता है, कल्पना में रहता है, ठीक है। आप देखते होंगे हम छोटा सा बच्चा है उसको बड़ा खिलाते हैं, उसके ठोड़ी के हाथ लगाते हैं, कुची कुची करते हैं, तो वो क्या करता है, मुस्कुराता है, आप सोचते हो मन देख के मुस्कुरा, क्यों थाने देख के मुस्कुराना, कहते शाहरुख खान हो थाने देख के मुस्कुरा, नहीं वो ऐसे नहीं मुस्कुराता। कहते हैं पुराने धर्मों की बात करें या ग्रंथों में कहते हैं कि बच्चा 6 जो माह तक का होता है ना वो अपने पूर्ण पीछे के जन्म की बातों को याद करता रहता है। तो इसने भी क्या कहा है
कि जो 2 से 4 वर्ष का जो बच्चा जो कल्पना में रहता है कैसे रहता है आप देख लो। आजकल के बच्चे टीवी में देखते हैं, सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, कार्टून देखते हैं, देखते होंगे, और वो कार्टून जैसे ही हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये कार्टून होते हैं वो असली जिंदगी में है, नहीं होता, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं, कल्पना में रहते हैं। उसके बाद की बात करें 4 से 8 वर्ष, 4 से 8 वर्ष का बच्चा होता है, यानी मान के चलो स्कूल जाने वाला बच्चे की बात करें, वो अवस्था होती है बच्चे की विवेचना रहित अवस्था। विवेचना रहित अवस्था यानी वो आपको ये बात नहीं कह सकता, आप उससे पूछ लो ये क्यों किया, कैसे हुआ, तो इसका जवाब वो आपको नहीं देगा, क्योंकि वो उस चीज की क्या नहीं कर सकता, विवेचना नहीं कर सकता। और नेक्स्ट जो अवस्था है 8 से 12, इन्होंने चार ही प्रकार बताए थे जीन प्याजे ने, 8 से 12 वर्ष की अवस्था जो बताई थी इन्होंने, वो बताई थी वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया अवस्था ये क्या है, देखो ये क्या है, कुछ नहीं है, ये वो है जो आदमी में अपनापन जगा देती है। देखो 8 से 12 साल का बच्चा ये समझने लग जाता है, आप बाजार में लेके जाओगे कपड़े दिलाने तो वो कहेगा नहीं मैं तो आ ड्रेस कौन लूं, आ लूंगा, यानी वो जवाब देने लग जाता है अपने को, ये पेन ले ले बेटा, नहीं ये पेन नहीं लूंगा मैं तो वो पेन लूंगा, यानी उसके रिएक्शन चेंज हो जाते हैं और वो अपने विचार रखने शुरू कर देता है, मैं तो नीले रंग की पैंट पहनूंगा, उसकी यानी इच्छाएं जागृत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद की बात करें, ये था पहले जीन प्याजे का वर्गीकरण, और जो आपके टॉपिक में आता है पहले तो महत्वपूर्ण आप यही सोच लेना कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात करें, जो वर्गीकरण किया गया अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार, ये सबसे वैलिड है और ये अपने पेपरों में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं कि किसके अनुसार, तो याद रखना है डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार। इन्होंने ज्यादा बात नहीं की, इन्होंने सिर्फ चार प्रकार बताए थे। इन्होंने कहा सबसे पहले बालक की कौन सी अवस्था होगी, शैशवावस्था, और सीधा ही वर्गीकरण किया कि 0 से 6 वर्ष की अवस्था क्या होगी, शैशवावस्था। उसके बाद में इन्होंने कहा कि उसके बाद में बालक की शुरू हो जाएगी बाल्यावस्था, जो कहां से कहां तक, 6 से 12 वर्ष, ठीक है, और उसके बाद में बालक की शुरू हो जाती है कौन सी, किशोरावस्था, जो हो जाएगी 13 से आगे 18। ये देखिए 18 और 19 वाला मैं कंफर्म कर देता हूं, वर्ष तक याद रखना है, क्योंकि इस किशोर अवस्था को ही टीन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीन एज का मतलब है कोई डिब्बा डब्बा रूटीन नहीं। देखो इंग्लिश में आएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, क्या 19 नहीं आता, आता है। तो इसीलिए इस अवस्था को 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद में कौन सा साल लग जाएगा, 19, तो कौन सी मानी जाएगी, 13 से 19 वर्ष। आपको अगर ऑप्शन ने पूछा प्रश्न हो कि टीन एज कहां से कहां तक है, तो आपको करना है 13 से 19 वर्ष, क्योंकि इनके सभी के पीछे 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 लगा होता है। और उसके बाद की जो अवस्था थी वो कौन सी अवस्था है, प्रौढ़ावस्था, ठीक है, यानी 19 वर्ष के बाद की अवस्थाएं, ठीक है। तो ये था डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार वर्गीकरण, और ये वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे। चलो बाल विकास में बात कर रहे हैं हम अवस्थाओं की, और अवस्थाओं मैंने कहा कि जोन्स का वर्गीकरण आपको याद होना चाहिए, परंतु उससे पहले एक काल आता है, उस काल का नाम है गर्भाधान काल या गर्भाशय, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें बालक के विकास की, तो यहीं से शुरू हो जाता है बालक का विकास। बालक के विकास की मैं बात करें, सबसे पहले गर्भाधान काल में 0 से जो 2 सप्ताह का समय होता है उसको बोलते हैं बीजावस्था। ये थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए इसमें, ये होता है यानी गर्भ के जो बच्चे का बीज गर्भ में पड़ जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बीजावस्था। उसके बाद की बात करें कि 2 सप्ताह से 2 माह तक का जो काल होता है,
इस काल में लगभग बच्चे का ये मान के चलो संपूर्ण विकास हो चुका होता है। विकास का मतलब कि उसके हाथ पैर फेफड़े ग्रंथियां यकृत ये सारे बन चुके होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं भ्रूणावस्था, इसे बोलते हैं भ्रूणावस्था। और उसके बाद का जो काल रहता है 2 माह से जन्म तक का काल, ठीक है, तो ये बच्चे का लगभग विकास काल होता है, यानी गर्भ विकास काल बोल सकते हैं इसको, विकास काल। इसमें बच्चे के सिर वगैरह बढ़ना सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि बच्चे का सबसे पहले विकास किस क्रम में होता है, तो याद रखना सबसे पहले हम बात करें बच्चे का विकास होता है सिर से पैर की ओर। बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि बच्चे का जो विकास होता है वो किस क्रम में होता है, तो बच्चे का सबसे पहले सिर बनता है, फिर नीचे का ऐसे ऐसे बनते हैं, लास्ट का जो पार्ट होता है वो पैर बनते हैं, ठीक है। तो यानी बच्चे का विकास अगर पूछ ले तो सिर से पैर की ओर होता है। और गर्भास काल का जो समय होता है, गर्भ काल का जो समय होता है कम से कम तो होता है कम से कम 180 दिन, ठीक है, और अधिक से अधिक 330 दिन हो सकता है, ठीक है। परंतु जो नॉर्मल चलता है यानी अपने लगभग का नहीं 9 महीना, तो 9 महीने नहीं है पूरे, यानी ये बोलते हैं 280 दिन, ये सामान्य काल है। यानी लगभग हमारे जो हमारा जो यहाँ का परिवेश है वातावरण है उसमें गर्भ काल का जो सही समय है वो 280 दिन या 9 महीने 10 दिन का समय उचित माना गया। अगर कम से कम हो तो 180 दिन, जी कारण बोले 6 मासिया हो गया, तो देखो 3 अगस्त में 30 का भाग देंगे तो कितना आएंगे 6 माह, तो इसे 6 मासिया बोल देते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा इतने दिन हो सकता है यानी 11 महीने तक गर्भ धारण हो सकता है। ये अपने नहीं है, ये परिवेश के आधार पे है, वातावरण के हिसाब से है, तो अपने नहीं होता। अपने यहाँ जो सामान्य काल है वो 280 दिन ही माना जाता है, ये 1 दिन 2 दिन ऊपर हो जाते हैं। तो ये थी आपकी गर्भ अवस्था। अब बात करेंगे हम शेषव अवस्था की, बात करेंगे शेषवा अवस्था। और ये देखिए महत्वपूर्ण काल, जिंदगी शुरू हो गई, ठीक है, जिंदगी यहीं से शुरू हो जाती है। अब कैसे शुरू हो जाती है, तो इस शेषवा अवस्था की मैंने अवस्था बताई आपको 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। अब इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। जैसे अगर बात करें पहले नाम की बात करें तो ये जीवन का आदर्श काल है, जीवन का आदर्श काल है, यानी बच्चा जो कुछ सीखता है वो किस काल में सीखेगा, इसी काल में सीखेगा। और क्या करता है इस काल में, खेलता है, तो इसको बोलते हैं खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु। नंबर 3, खिलौनों की आयु के बाद में बात करें आदर्श कालों में, तो ये यहीं से आदमी की क्या बन जाता है, आधार बन जाता है। आधार का मतलब भावी जीवन, हमें पता चल जाता है भावी जीवन की आधारशिला, आधारशिला। अरे बुजुर्ग तो कह रही है कपूत का पग पालना में छाना कौन रहा है, तो अठही अवस्था में हुआ है, टबर अठा अगर धक्का पी लिख रहा है सोच लियो गुंडो ही बनेगा, ठीक है नी। तो वाटसन ने तो कहा था कि मुझे एक बच्चा दे दो जी मैं वो बना दूंगा, तो देखो यही हमें बुजुर्गों ने कहा कि पूत का पग पालना में छाने कौन रहे। और यही जो अवस्था है इस अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा प्रश्न करता है, उनके जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, अतार्किक होते हैं, यानी उनका कोई उत्तर नहीं था। जैसे कोई बच्चा पूछ लेता है, मैं मेरी बच्चे की बात, मेरा बच्चा एक दिन जा रहे थे ट्रेन का, पूछने लगा क्या पापा इस ट्रेन के जो टायर है वो गोल कैसे है, अब इसका कोई उत्तर है क्या, नहीं है ना। यानी वो तर्क है उसका, उस तर्क को आप कैसे स्पष्ट करोगे, यानी उसके जो प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे, अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। उसका कोई तुक नहीं होता, सिर नहीं होता, पैर नहीं होता, अतार्किक चिंतन की अवस्था। पानी गिल्लो ही क्यों है, पानी गिल्लो ही क्यों है। और वो बच्चों की अगर साइकोलॉजी आप पढ़ने लग जाओगे, जैसे एक प्रश्न वो छोटा चुटकला है उसमें का बच्चे ने पूछा कि पापा, बोले हाँ, बोले पापा तेरा ब्याह हो गयो, बोले हाँ हो गयो, बड़की सा गए, बोले मम्मी तेरी मम्मी सा गए, बोले पापा घर में ही सेटिंग कर ली। तो ये बच्चे का क्या है, अतार्किक क्वेश्चन है,
है ना, तो वही पर्सन आते हैं यहाँ पे, अतार्किक चिंतन की अवस्था। तो ये इसके क्या थे, उपनाम थे, ये क्या थे इसके उपनाम थे, अतार्किक यानी इसके उपनाम थे। अब इसकी बात करें कि किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है, यानी कुटेश ने क्या है शेष अवस्था को, किसने क्या कहा है। तो सबसे पहले देखो, मैं इसी को लेकर चलता हूं, ये सबसे बढ़िया है, करो एंड करो। इस बंदे ने सबसे बढ़िया कोटेशन दी, इसने आज जो सदी चल रही है 21वीं, इसके पीछे वाली कौन सी थी 20वीं। तो इसने देखो, कागलो है जी को क्रो है, वो सारे दिन कहाँ करे, और आजकल का बच्चा भी क्या करे, वो कौन लियू वो कौन लियू, मैं ये नहीं खाता वो नहीं खाता, चॉकलेट खाऊंगा वो खाऊंगा, सारे दिन कहाँ करे। तो जैसे कौवा कहाँ करता है वैसे ही आज के बच्चे करते हैं। तो क्रो एंड क्रो ने कहा कि आज की जो सदी है वो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, या बालक की 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ये किसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने। जैसे क्रो काएं काएं करता है, 20वीं शताब्दी के बच्चे भी क्या करते हैं, काएं काएं करते हैं। फिर बात करें सिगमंड फ्रायड की, और सबसे ज्यादा आज के हिसाब से बात करें तो एडल्ट बंदा यही है, ठीक है, सबसे एडल्ट यही है। इस बंदे ने क्या कहा, इस बंदे ने ऐसी बात कही जो जचने वाली तो नहीं है, परंतु फिर भी इसकी कोटेशनें पूछी जाती हैं। इस बंदे ने कहा कि शेषवावस्था में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, काम प्रवृत्ति यानी सेक्सुअल जो प्रोग्राम होता है वो सबसे ज्यादा कहते हैं शेषवावस्था में। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि कैसे, इसकी एक बुक है, उस बुक में इसने बताया कि जब माँ के स्तन का पान करता है बच्चा, तो उस स्तन पान करते समय बच्चा माँ के स्तन को दबाता है, यानी वो उसमें क्या है, सेक्सुअल है। इसने कह दिया कि काम प्रवृत्ति है, ठीक है। तो इस बंदे ने ये कोटेशन दी, और ये बहुत ज्यादा आती है, आप ध्यान रखना इस चीज का। फिर बात करें थार्लो आगे सागणियों वेलेंटाइन को मतलब है, थे जी को लियो वो नहीं, फरवरी में बटुओ साफ करना रो समान नहीं, अर्थात वेलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहा था कि शेषव जो अवस्था है, शेषवावस्था, ठीक है, सीखने का आदर्श काल है, सीखने का आदर्श काल है। अब देखो ये आदर्श शब्द याद रखना है, अपने तो यहां नहीं मानते, परंतु विदेशों में इस दिन को बड़े सेलिब्रेट करते हैं इस दिन, ठीक है। आपने तो भी अनुपात कम है, 1000 के पीछे 928 लुगाई हैं, बट्ठे आदमी कम है लुगाई ज्यादा है, तो मांगे लिए तो आदर्श ही है वो, इन दिन आज आपके ब्याह व्यू कर लिए मिल लिए, तो यानी ये आदर्श काल यानी आदर्श समय है उनके लिए, ठीक है। अब और बात करें फ्रायड की, और बात कर लेते हैं, फ्रायड ने क्या कहा, फ्रायड ने कहा कि अगर कोई बालक शेषावस्था में है, शेषावस्था में बालक 4 से 5 वर्ष तक जो कुछ बनना होता है वो बन जाता है, पता चल जाता है कि शेष अवस्था में, ये शेष अवस्था ही तो है 4-5 वर्ष, इस अवस्था में बालक को जो कुछ बनना होता है वो यहीं दिख जाता है, यानी जो कुछ बनना है वो यहीं उसके चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं कि बालक आगे जाकर क्या बनेगा। और एक मनोवैज्ञानिक थे थारनडाइक, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 3 से 6 वर्ष का बालक कौन सी अवस्था हो गई, शेष अवस्था, 3 से 6 वर्ष की शेष अवस्था। इसने क्या कहा, इसने कहा कि 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है बालक उसमें अर्ध स्वप्नों में रहता है, आधे स्वप्नों में रहता है। ये बात किसने कही, इसने कही, कैसे याद कैसे रखें, तो देखो डाई से बता रहे, डाई कैसी होती है काली, और काली क्या होती है रात, सपने कब आते हैं रात को, ठीक है। तो यानी उसने कहा कि 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्नों में ही रहता है, ये थी इसकी विशेष कोटेश ने। अब बात करेंगे शेष अवस्था की विशेषताओं के, शेष अवस्था की विशेषता की, इसमें क्या क्या विशेषता होती है, विशेषताएं शेषावस्था की विशेषताएं। शेषावस्था में जो बच्चा होता है वो कहाँ रहता है, कल्पना जगत में रहता है, एक तो ये हो जाएगा पहली विशेषता, बच्चा कल्पना जगत में विचरण करता है, ठीक है, वो विषय कार्टून नामक हो जाए, कार्टून देखा है वो विषय हो जाए, ठीक है।
और इस अवस्था में बच्चा जैसे पीछे पीछे बोलता है, यानी अगर दादा आवाज लगा रहा है उसके पिताजी को कह राजेश इनारे, तो बच्चा भी पीछे बोलेगा राजेश इनाई रे। यानी बच्चा क्या करता है, अनुकरण, या क्या करता है, अनुकरण, यानी पीछे पीछे बोलता है। और तथा दोहराने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में होगी, इसी में होगी अनुकरण। पीछे पीछे बोलेगा सारा काम, वैसे क्या पापो किया चाल है, फिर चाल के भी बताओ, कई बार दादो किया करे सारी बताओ। और अगर इस तरह की वो बातें कर रहा है तो उसमें क्या नहीं है, नैतिकता नहीं है। वो बच्चा इस बात को क्या, किस चीज को नहीं समझ रहा, नैतिकता को नहीं समझ रहा। तो यानी नैतिकता का क्या होगा, इसमें अभाव हो जाएगा। यानी नैतिकता वो होती है जो किसी का आदर रिस्पेक्ट करे एक दूसरे के साथ। और अगर इस तरह की बात करता है तो बच्चा देखो, छोटे बच्चे होते हैं उनको स्कूल भेजना होता है तो क्या वो खुद स्नान कर लेते हैं, खुद खाना खा लेते हैं, खुद कपड़े पहन लेते हैं, नहीं पहनते। अर्थात वो क्या करते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो ये अवस्था क्या है, दूसरों पर भी निर्भरता करती है, इस अवस्था में दूसरों पर निर्भरता। और इस उम्र का बालक प्रश्न भी बहुत करता है, पिताजी यो क्या है, वो कह दो कागलो है, पिताजी क्या है कागलो, वो क्या मी है, वो कुकर है, वो किया है, यानी ऐसे प्रश्न कह रहा है, कैसे है, क्यों है, किस लिए है। तो यानी उसमें क्या होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, उसमें जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। कौन सी अवस्था में, शेष अवस्था में। और इन बालक यहाँ को देखा है भी नुकसान होने लाग रही के घरे, यानी अगर बिना बाई चांस ये दिख गयो व्यापा दो, ये पिताजी के शूज पड़े हैं, इससे कार बनानी है, तो वो कार बना देगा, चक्कू से काट लेगा उसको, देखते होंगे आप, बड़ा नुकसान करता है। अर्थात उसे नहीं पता, वो सिर्फ अपने में मस्त रहता है। अर्थात वो क्या होता है, स्वार्थी होता है, वह सब केंद्रित होता है, उसे कोई अच्छे बुरे की भले की समझ नहीं है। इसीलिए ये भावना किसमें होती है, स्वार्थी, वह सब केंद्रित की भावना होती है, ठीक है। और दूसरी, अकेला खेलने बिल्कुल इच्छुक नहीं होता, बिल्कुल नहीं खेलता अकेला, कई बार मगन हो जाता है, परंतु साथ खेलने की प्रवृत्ति इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, साथ खेलने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है। यानी इस समय वो सबसे ज्यादा साथ खेलेगा। और आगे बात करें सामाजिक या सामाजिकता का अभाव, सामाजिकता का भाव, यानी भाव का मतलब भावना, अर्थात उसमें क्या नहीं होती। अब दादा ने दादो जी कौन कह, वो अगर बिंग जी माज है तो सिद्धो बोलियो पतराम, पापा ने पापो कहवा गो, परंतु नाम ले सिद्धो किसी राजेश, यानी जैसे बुजुर्ग बोलते हैं वैसे का वैसा बोलेगा, ठीक है। तो यानी उसमें सामाजिकता का क्या होता है, अभाव होता है। और वो सीखता कैसे है, शारीरिक क्रियाओं से सीखता है, खुद करता है, शारीरिक क्रियाओं और संवेदनाओं से सीखता है, वह संवेदनाओं। सबसे ज्यादा एक्टिव क्या होती है, उसमें शारीरिक क्रिया होगी है और संवेदनाओं से सबसे ज्यादा क्या करता है, सीखता है। कैसे सीखता है, एक बालक है छोटा सा, उसे नहीं पता है कि तवे पर हाथ लगाने से हाथ जल जाएगा, नहीं पता है ना, परंतु शुरू शुरू में क्या करता है, वो हाथ लगाता है, हाथ लगाए देखता है गर्म है, उसके बाद वो काम नहीं करता। किससे सीखा उसने, शारीरिक क्रिया से सीखा कि नहीं सीखा। और इस समय शिशु क्या होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये, शिशु अंतर्मुखी होता है, यानी किसी के साथ बात करके ज्यादा राजी नहीं होता, खेलने में मस्त रहता है, दूसरों के साथ खेलने में मस्त रहता है। एक ये सबसे ज्यादा है आत्म प्रेम की भावना, ये कौन सी है गुरु जी, कभी देख लियो टाबर, दो जना, एक बड़ो भाई है और एक छोटी बहन है, छोटी बहन जब मोटड़ा भाई ने बा गोदी में ले लिया भी माँ प्रेम से, तो वो क्या छोटी वाली बहन क्या आएगी, ना कौन लेना इन मन्ने ले गोदी, यानी कहता ना मेरी मम्मी है, यानी वो भावना कब होती है, आत्म प्रेम की भावना, ये यहाँ आएगी। और बच्चा सीखता भी किस काल में, सबसे ज्यादा इसी में सीखता है, सीखने की तीव्रता। तो ये थी इसकी विशेषताएं। और लास्ट में बात करूं एक छोटी सी, कि एक मनोवैज्ञानिक थे ब्रिजेश के अनुसार, उन्होंने कहा कि बच्चे में संवेग कब कब आ जाते हैं, बच्चे में संवेग कब कब आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें, इन्होंने कहा कि जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता बच्चे में, जन्म के समय कोई संवेग नहीं, सिर्फ क्या होती है, उत्तेजना होती है, जन्म के समय उत्तेजना होती है। और जैसे ही बच्चा एक माह का हुआ, बच्चे में आनंद का संवेग आने लग जाता है, कैसे,
जैसे बच्चा रोता है तो उसे कहते हैं कि खिलाते हैं तो उसे आनंद आता है, और कहते हैं तीन माह का बच्चा क्रोध करने लग जाता है, क्रोध संवेग उत्पन्न हो जाता है। और एक कोटेशन के अनुसार यह भी बताया गया है कि बच्चा अपनी पहली मुस्कान 3 महीने में देता है, 3 महीने का होता है पहली बार मुस्कुराता है, कीप स्माइलिंग यानी राफा चौड़ी करना की बात है, ठीक है नहीं। फिर 4 महीने का बच्चा परेशान रहने लग जाता है, 4 महीने का बच्चा परेशान यानी ये संवेग आ जाता है उसमें। 5 माह के बच्चे में डर लगने लग जाता है, यानी जब हम तेज बोलते हैं उसके पास यानी जोर से लड़ाई करते हैं तो बच्चा अगर रो रहा है तो भी चुप हो जाएगा, अभी क्या बात होगी, मैं तो की गलत काम कौन कर दिया, मत चपरी सुनते हैं मुझे, यानी ये संवेग तब आएगा। और 10 तेनू की यानी 10 माह का जो बच्चा हो जाता है उसमें प्रेम का संवेग आ जाता है, ठीक है, प्रेम का संवेग। और 15 माह का जो बच्चा हो जाता है जिसको छोरियां सारनो ज्यादा हुआ है, ये संवेग लड़कियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जेलिस इसको बोलते हैं, यानी कौन सा संवेग, ईर्ष्या, ईर्ष्या का संवेग सबसे अधिक। और 24 महीने का जो बालक हो जाता है उसे उसमें आ जाती है कुसी, यानी टाबर कितना साल को हो गयो, 2 साल को, अब ये टेंशन को नहीं, मैं अपन कुट्ठेगा मारेगा जितना ही कोई टेंशन को नहीं। तो ये था आपका बाल विकास में पहली अवस्था से 100 अवस्था।